साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। भैया मलेशिया से रिलेटेड बात करनी थी। हालांकि मैंने कल के डेट में परसों के डेट में वीडियो डाला था, हालांकि दो तीन दिन पहले मैं कोई कंट्री का वीडियो नहीं डाल पाता क्योंकि ज़्यादा कंट्रियों को कवर करना पड़ता है। लेकिन अभी अपडेट निकल के आ रही है, कुछ बातें हैं जो मैंने दो दिन पहले आपको कुछ और बताई थी, आज कुछ और होने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, साथियों नए हैं अगर आप चैनल पे सबसे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो भाई चलिए शुरुआत करते हैं अपन कोरोना मलेशिया में क्या स्थिति है, कितना क्या पहुँच रहा है। 6,000 के करीब अभी तक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, उनमें से 100 के करीब अभी तक डेथ हुई हैं, उनमें से 4,000 प्लस बंदों को रिकवर कर लिया गया है कोरोना संक्रमित में। तो ये तो है न्यूज़ कोरोना से अपडेट। अब हम बात करते हैं भाई गवर्नमेंट मलेशिया चाहती क्या है, उसका क्या लक्ष्य है, मुझे समझ में नहीं आया। इंडियन न्यूज़ में भी ये आया था और वहाँ के भी लोकल न्यूज़ में भी आ रहा है कि 15,000 से 20,000 तो कैदी उन्होंने लॉकडाउन के दौरान पकड़े हैं। गवर्नमेंट मलेशिया गवर्नमेंट में इतनी कंट्रियों को कवर करता हूँ, इतनी मतलब इनके टच में रहता हूँ, लेकिन जितना मलेशिया गवर्नमेंट जितना गंदा काम करती है ना, मेरे समझ में नहीं है यार ये चाहती क्या है। या तो इनको दिमाग नहीं है, इनका पड़ोसी सिंगापुर था पता कहाँ निकल गया वो, और ये अपनी सोच की वजह से वहीं पड़े हैं। करेंसी भी डाउन वहीं की वहीं पड़ी है, 3 साल से मैं देख रहा हूँ करेंसी वहीं है, इनका भाव ही नहीं बढ़ा। दुबई में देख रहा था मैं 18-19 का भाव था, 21 के करीब पहुँच गई 3 साल में, और ये यहीं के यहीं बैठे हैं। इनकी सोच पता नहीं इतनी गंदी है। मैं बता दूं, दो दिन पहले वहाँ का डीजी इमिग्रेशन ने बताया था कि हम अभी लॉकडाउन के दौरान जो इलीगल वर्कर्स हैं उनको नहीं पकड़ेंगे। ठीक है, मतलब छूट दी गई है, आप अपना इलाज कराओ, आपको नहीं पकड़ा जाएगा, आपको नहीं पूछा जाएगा। दो तीन दिन पहले का ये न्यूज़ आ रही थी। आज डीजी वहाँ के जो इमिग्रेशन है वो अपना इंटरव्यू दे रहे हैं वहाँ की लैंग्वेज में कि हम पकड़ रहे हैं, अभी हमारा ऑपरेशन चालू है। अब बताओ जी क्या करें इनका। अब बोलते हैं नहीं जी हम दो दिन, पत्रकार ने पूछा कि 3 दिन पहले आपका ये बयान था तो उन्होंने पलट दिया बात को, नहीं अभी हम घर में घुस के नहीं पकड़ रहे हैं, रोड पर नाका लगा के पकड़ रहे हैं। कोई लड़ाई झगड़ा या हमारे पास कोई शिकायत आती है तो उनको हम पकड़ रहे हैं। कहने का मतलब है कि भाई बात तो वही आ गई ना, जहर इतना खाओ तो इतना खाओ, बात तो हो गई कि जहर खा रहे हैं, समझ रहे हो बात को। पकड़ने का काम 3 दिन पहले मना कर रहे थे, आज बोलते हैं पकड़ रहे हैं, तो मतलब इतनी गंदी है। लॉकडाउन के दौरान 15,000 लोगों को पकड़ दिया यार, देखिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, 15,000 लोगों को। अभी लोग बोल रहे हैं छोड़ो, एक ह्यूमन राइट संस्था है उन्होंने बोला है कि छोड़ो उनको, नहीं छोड़ रही है गवर्नमेंट। कैदियों की तो छोड़ने की दूर की बात है, ये इन लोगों की सोच है, ये गवर्नमेंट पता नहीं क्या है। लॉकडाउन में थोड़ा ढील दी गई है, पहला एक कंट्री ऐसा है कि चलने दूरी की पर आज़ादी दी है कि आप लॉकडाउन के दौरान 10 किलोमीटर तक जा सकते हो। अरे मूर्ख इंसान, अगर कोरोना संक्रमित 10 किलोमीटर में होगा वो तो 1 मीटर 5 मीटर 10 मीटर में ही हो जाएगा, वरना 100 मीटर में भी नहीं होगा। यानी कोरोना तो पूरी क्या बताएं भाई, 10 किलोमीटर तक आप जा सकते हो कोरोना लॉकडाउन में छूट के दौरान। शाम 8 बजे तक की इसमें छूट है कि जो शॉपिंग वगैरह या मॉल या फिर रेस्टोरेंट वगैरह वो 8 बजे तक ओपन रह सकते हैं, 8 बजे उनको बंद करना पड़ेगा। एक साथ आप 2 आदमी एक साथ घर से निकल सकते हो, ये लॉकडाउन के दौरान मलेशियन गवर्नमेंट ने आपको छूट दी है। एक नया फरमान और गवर्नमेंट जारी कर रही है, डीजी इमिग्रेशन बोल रहे हैं कि भाई जिनका वर्क परमिट वीज़ा या फिर आपका कोई भी परमिट वीज़ा कोई भी एक्स वाई जेड परमिट वीज़ा अगर एक्सपायर हो रहा है, वो कैंसिल हो रहा है या और उसमें प्रॉब्लम है तो आप जाके इमिग्रेशन विभाग में कॉन्टेक्ट करें, ये बताया गया है। फिर आपको टाइम दिया जाएगा कि भाई आप इतने दिन बाद में आके दोबारा रिन्यू करवाओ। कहने का मतलब जितने भी नियम निकाल रही है लॉकडाउन के दौरान, इतना गंदे नियम है कि यार कितनी कंट्रियाँ हैं देखो बेचारे, सीधे सीधे बोल रहे हैं कि भाई दुबई सबसे बेस्ट है, दिसंबर तक छूट दे दी, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। ये साला मलेशिया गवर्नमेंट आज क्या बोल रही है, 2 दिन बाद में क्या बोल देगी। वर्क परमिट यानी ये जो महामारी चल रही है, लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, बाहर निकलने में लोग डर रहे हैं, उनको ये बोलते हैं इमिग्रेशन में आके आप कॉन्टेक्ट करो फिर आपका वीज़ा रिन्यू करवाया जाएगा, फिर आप चक्कर लगाओ। कहने का मतलब यही है, कोई दम वाली बात नहीं है भाई। जो अपडेट थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, अगर आप और कोई नई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। चैनल आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज़ आपको अपडेट सही मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।